सर सेंटर प्रभात अरे प्रभात बहुत मार खाएगा हाँ सर इधर नहीं सर अभी बाकी है सर वेट 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 एक लाइट बहुत जल्दी पड़ गई है ना थैंक यू सर थैंक यू रुको रुको एक मिनट एक देख ये लाइट बहुत गंदा पड़ रहा है हो गया थैंक यू डन 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 थैंक यू सर भाई बीच से नहीं जाना भाई ना उसको कौन सा भी स्पेस ले आओ
सेंटर 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 मैम सेंटर कौन पूछेगा बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, अमेजिंग रिस्पॉन्स। इनफैक्ट कई सिटीज में स्क्रीनिंग हुई है और पूरी फिल्म देखने के बाद लोग नम हो जाते हैं, कई लोग रोने लगते हैं और खूब सारी बात करना चाहते हैं, लोगों का गुस्सा निकल के आता है तो अपने आप में एक डिबेट शुरू हो जाती है। ये तो बहुत सारी सिटीज़ में गई। ये केसेस सिर्फ मुंबई में नहीं है, ये केसेस हर राज्य से, राज्य के कई जिलों से आए दिन हम लोग ऐसा कुछ पढ़ते हैं, देखने को मिलता है। दो चार पाँच दिन हम फॉलो करते हैं, फिर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, फिर एक नई घटना घटती है, फिर लूप में हम फॉलो करते हैं, फिर वही बिजी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़, इस पूरे लूप को तोड़ने की ज़रूरत है। तो ये फिल्म, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फिल्म ओवरनाइट कुछ चेंज कर देगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर फिल्म देख के लोग हीरो और हीरोइन के जैसे हेयर कट कर सकते हैं, तो ये फिल्म देखने के बाद बहुत सारे दिलों में कहीं ना कहीं वो जो संवेदना है वो जगेगी ज़रूर। बताओ। फिल्म एक्चुअली बहुत ही प्यार से दर्शाया गया है, जैसे इस मुद्दे पे और भी फिल्म या सीरीज़ आई गई है, बट इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म में एक भी अपशब्द, गाली, वल्गर सीन्स कुछ भी नहीं है। तो फिल्म बहुत प्यार से, बहुत मेहनत, लगन से बनाई गई। आपने नाम लिया सर, यहाँ है बस मैं बहुत खुश हूँ कि पिक्चर यहाँ तक आई, लोग पसंद कर रहे हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट दैट द फिल्म हैज कम टू दिस वे। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? प्राइस गायब हो गया। स्ट्रॉ भी गायब हो गया। तुमने ही गायब किया है यार, दो स्ट्रॉ। वो मेरा स्ट्रॉ है। Thank you.
Hey, let's go, let's go.
फोटो दिखे Myself quite excited because it's a different film again. It's a women oriented and Manish is really looking forward for the great work. So yeah, looking forward for it. मेरे लिए यही है कि इनका जो काम रहा है ना हमेशा से थोड़ा genuinely अलग रहा है. जैसे लाइक मसान देखिए जो भी इनकी पहली फिल्में रही हैं और ये मेरे लिए interesting observation ये है कि पहली बार ये एक आदमी directorial side जा रहा है. तो क्या बनाता है मेरे लिए वो खुशबू लेने आया हूँ. अनफॉर्चुनेटली मेरे 10 मिनट निकल गए हैं, थोड़ा लेट हो गए ट्रैफिक में बारिश की वजह से. मैं आ रहा हूँ बोरीवली में सेट था मेरा. ओके जी जी अभी बहुत कुछ आ रहा है. इनफैक्ट वो OTT के चक्कर में ना आई जस्ट फिनिश समथिंग फॉर MA, इट्स कॉल्ड अधूरा. यस्टरडे वॉज माई लास्ट डे. आई एम इन द प्रोसेस ऑफ wrapping of Vikram Bhatt's 1920, which he's producing. His daughter Krishna is directing. Mahesh Bhatt Saab has written it. So it's three generations of Bhatts together. There's something with Anna called The Invisible Woman. That's it's sort of right now the working title, which is also slated for later in the year. So there's lots of work happening. Okay, thank you. नहीं सर अभी बाकी है सर. वेट. Thank you.
Thank you.
सर यहाँ पे देखिए कमाल का काम सर नागार्जुन सर यहाँ पे सेंटर